रामपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। कई महीने पहले उसके पति काल कौवे की एक हादसे में मौत हो गई थी। अब टूनी अकेली रहती थी। हे भगवान, दो दिनों से जोरदार बारिश हो रही है जंगल में। सारा राशन भी खत्म हो गया है। मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आज भी मैं अपने बच्चों को भोजन नहीं दे पाई तो मेरे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कहीं ना कहीं से भोजन का इंतजाम तो करना ही होगा। टूनी चिड़िया बिट्टू कबूतर के घर भोजन मांगने के लिए जाती है। बिट्टू भैया, ओ बिट्टू भैया, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे भूखे हैं। बारिश में भोजन लाने भी नहीं जा पा रही हूँ। थोड़ा बहुत मेरे बच्चों के लिए भी दे दीजिए। मैं तुम्हें भोजन कहाँ से दूँ टूनी? मैं भी तो बारिश की वजह से दो दिनों से घर में बैठा हूँ। घर में पड़े पड़े मेरे सारे मिट्टी के बर्तन खराब हो रहे हैं। अगर तुम्हें भोजन चाहिए तो मेरे इन बर्तनों को बेच दो और फिर जो दो पैसे मिले उससे तुम अपने बच्चों के लिए भोजन खरीद लेना। लेकिन बिट्टू भैया, चारों तरफ तो पानी भरा हुआ है, मैं बर्तनों को बेचने कैसे जाऊंगी? टूनी, तुम अपने घर जाओ। अगर तुम मिट्टी के बर्तन बेचने नहीं जाओगी तो वैसे भी तुम्हारे बच्चे भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरी मानो तो बारिश की चिंता मत करो और अपने बच्चों की चिंता करो और इन मिट्टी के बर्तनों को बेचने चली जाओ। बारिश का मौसम है, मिट्टी के बर्तन हाथों हाथ बिक जाएंगे। ठीक है बिट्टू भैया, आप कहते हैं तो मैं बर्तन बेचने चली जाती हूँ। टूनी मिट्टी के बर्तन लेकर बारिश में बेचने निकल जाती है। मिट्टी के बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन, सस्ते अच्छे मिट्टी के बर्तन ले लो। टूनी की आवाज सुनकर गौरी कौवी अपनी खिड़की से आवाज लगाती है। अरे वाह, इस बारिश में तो मिट्टी के बर्तन में खाना खाने में मजा आ जाएगा। अरे बर्तन वाली, इधर तो लेकर आ बर्तन, पक्के तो है ना ये बर्तन? हाँ गौरी बहन, ये मिट्टी के बर्तन बहुत मजबूत हैं। देख लो तुम खुद ही, बारिश में अभी कैसे टिके हैं। आप एक बार खरीद कर तो देखें। इस बारिश में मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने से सेहत बनी रहती है। फिर शाम हो जाती है। टूनी चिड़िया सारे बर्तन बेच देती है और सारे पैसे ले जाकर बिट्टू कबूतर को दे देती है। अरे वाह टूनी, तूने तो बहुत ही जल्दी सारे बर्तन बेच दिए। ये लो पैसे और ये दो मिट्टी के बर्तन भी रख लो। तुम अपने बच्चों को इसमें खाना खिला देना। टूनी पैसे और बर्तन लेकर वहां से चली जाती है और रास्ते में से अपने बच्चों के लिए थोड़े से भुट्टे के दाने भी ले लेती है। और जब वो घर पहुंचती है तो उसका घर तो वहां था ही नहीं। तेज बारिश में उसका घर टूटकर बह चुका था। दोनों बच्चे पास के पेड़ पर बैठकर रो रहे थे। मम्मा मम्मा, अपना घर बारिश में टूटकर बह गया मम्मा। बच्चों, तुम लोग सुरक्षित तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं मम्मा, हमें कहीं चोट नहीं लगी, लेकिन हमारा घर टूट गया। हम अब कहाँ रहेंगे मम्मा? अभी तुम लोग घर की चिंता मत करो, ये लो कुछ दाने खा लो, इसे खाकर अपनी भूख मिटाओ। तभी वहां से एक परी गुजर रही थी। वो उस बेसहारा माँ को देखकर वहीं पर रुक जाती है। क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम उदास क्यों हो और तुम्हारे बच्चे रो क्यों रहे हैं? परी माँ, मेरा नाम टूनी है और ये मेरे बच्चे हैं। बारिश में हमारा घर टूट गया है, अब हम बेसहारा हैं, खाने को भी कुछ नहीं है। उस बेसहारा माँ की बात सुनकर परी अपनी जादुई छड़ी से उन्हें जादुई फल के बीज देती है। टूनी उस जादुई बीजों को मिट्टी में दबा देती है। दो दिनों बाद जब बारिश रुकती है तब वो अगले दिन अपने बच्चों के साथ उस जादुई बीज को जहाँ दबाई थी उसे देखने के लिए जाते हैं। तो वो उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। वहाँ पर एक बड़ा पेड़ था जिस पर सभी तरह के फल लगे हुए थे और उसी पेड़ की डाल पर मिट्टी का एक घर भी था। ये देखकर टूनी और उसके बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी टूनी की बेटी पिंकी कहती है, मम्मा मम्मा, वो देखो, हमारे इस फलों के पेड़ पर एक घर भी है। हाँ बेटा, मैं भी देख रही हूँ, चलो पास जाकर देखते हैं। वो खुशी खुशी उस जादुई मिट्टी के घर में जाकर रहने लगते हैं। अब उनके पास ना तो भोजन की कमी थी और ना ही रहने की दिक्कत थी। अब वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगते हैं। ये कहानी रामपुर के जंगल की है, जहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी रानू चिड़िया रहा करती थी। रानू चिड़िया एक अनाथ थी। रानू चिड़िया के दिन
बहुत ही गरीबी में गुजर रहे थे। उसे दो वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन सभी पंछी अपने माता पिता के साथ अपने घोंसले में बैठे थे और बातें कर रहे थे, और टूनी चिड़िया उन्हें देखकर सोचने लगती है, हे भगवान, मैं कैसी चिड़िया हूँ। मैंने माता पिता का प्यार तो छोड़ो, उनकी शक्ल भी नहीं देखी। मुझे तो दो वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती है। अमीर पंछियों के घर में काम करना पड़ता है और उनके ताने भी सुनने पड़ते हैं, तब जाकर कुछ दाने पानी का इंतजाम होता है। तभी उसे याद आता है कि उसे कालू सेठ के यहाँ काम करने जाना है। आज तो मेरी तबीयत भी बहुत खराब है, लेकिन आज मैं कालू सेठ के घर नहीं गई तो वो मेरे पैसे काट लेंगे, और वैसे भी मेरे ऊपर कितना कर्ज है। अगर पैसे पूरे नहीं मिले तो घर का खर्च चलाने के लिए मुझे और उधार लेना पड़ेगा, और अब मुझे कोई उधार भी नहीं देता। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया कालू सेठ के यहाँ पर काम करने के लिए चली जाती है। अरे रानू, तुम आ गई। तुमसे कितनी बार कहा है टाइम पर आया करो, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं। अब तो ये तुम्हारा रोज रोज का नाटक हो गया है। कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। अब जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, अगली बार ऐसा नहीं होगा सेठ जी। रानू चिड़िया बहुत विनती करती है, लेकिन कालू सेठ उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। बेचारी रोते रोते रानू चिड़िया अपने घोंसले में लौट आती है। हे भगवान, अब तो मकान मालिक भी आने वाले हैं। अगर मैंने आज उनका किराया नहीं दिया तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी नौकरी चली गई और दूसरी तरफ घर का किराया है। अब तो मेरा यह घोंसला भी चला जाएगा। तभी वहां पर बिट्टू कबूतर मकान का किराया लेने आ जाता है। टूनी, पिछले 3 महीने का किराया निकाल, और मैं आज तेरा कोई बहाना नहीं सुनने वाला। आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो तुझे तेरे सामान के साथ इस घर से बाहर निकाल दूंगा। कहे देता हूँ। काका, मुझे बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए, मैं आपका किराया चुका दूंगी। भगवान के लिए मुझे इस घर से बाहर मत निकालें। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन बिट्टू कबूतर रानू की एक नहीं सुनता और उसको घर से बाहर निकाल देता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो अपना सर छुपाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मेरे पास तो किराए के लिए भी पैसे नहीं है। काश मैं अपना एक छोटा सा घर बना पाती। फिर रानू चिड़िया रोने लगती है, और उसके रोने की आवाज सुनकर वहां पर एक जादुई लाल परी आती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं उसे दूर जरूर करूंगी। फिर रानो लाल परी को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर रानू चिड़िया रोने लगती है। रो मत रानो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अपना घर नहीं बना सकती? तुम्हारा घर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो आ जाओ, अभी तुम्हारा घर बनाने के लिए कुछ सामान लेकर आती हैं। फिर वो जादुई लाल परी रानो को नदी के किनारे ले जाती है और एक सुनहरी मिट्टी के ढेर के पास ले जाकर उससे कहती है, रानू चिड़िया, तुम इस मिट्टी में से थोड़ी सी मिट्टी ले लो। इस सुनहरी मिट्टी से मैं तुम्हारे लिए घोंसला बनाऊंगी। लेकिन ये कौन सी जगह है लाल परी? मैं यहाँ पर पहले कभी नहीं आई। मैंने पहली बार इतनी चमकदार मिट्टी को देखा है। रानू, तुम ये समझ लो कि ये मिट्टी तुम्हारा घर बनाने के लिए है। पूरे जंगल में इस मिट्टी के बारे में तुम किसी को मत बताना। ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। ठीक है लाल परी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। इसका मतलब पूरे जंगल में सबसे सुंदर और अच्छा घर मेरा ही होगा। हाँ, मैं हूँ ना, इस पूरे जंगल में सबसे अच्छा घर तुम्हारा ही होगा। इस घर से तुम्हें कोई भी बाहर नहीं निकाल पाएगा। उसके बाद रानो उस सुनहरी मिट्टी को अपने साथ ले जाती है और एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। फिर वहां पर एक मिट्टी का ढेर इकट्ठा हो जाता है। फिर वो जादुई लाल परी अपनी छड़ी घुमाती है और देखते ही देखते वो मिट्टी का ढेर एक बहुत ही सुंदर घर में बदल जाता है। अरे वाह, ये घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन बारिश में तो ये बह जाएगा। नहीं टूनी, ये एक जादुई मिट्टी थी।
ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये जादुई मिट्टी है, यह नहीं बहेगी। जादुई लाल परी की बात सुनकर टूनी बहुत खुश हो जाती है और वो अपने मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में कालू कौवे और गौरी कौवे की समोसे की दुकान थी। उन्हें अच्छा मुनाफा हो जाता था, इसलिए वो काफी अमीर थे। उनका बेटा राजू कौवा वहीं थोड़ी दूर फुटबॉल से खेल रहा होता है। वो बहुत बिगड़ा हुआ था। वो सभी पंछियों को तंग किया करता था। ऊपर से इतनी जोर से फुटबॉल खेलता है कि बुलबुल का सारा घोंसला टूट जाता है। कमखत जालिम ने मेरा घोंसला तोड़ दिया। ये कौवा बहुत ही शैतान है। मैं अभी जाकर इसकी माँ को बताती हूँ। आंटी बुलबुल का घोंसला टूट गया, आंटी बुलबुल का घोंसला टूट गया। बुलबुल जल्दी से उड़कर राजू कौवे की मम्मी गौरी के पास जाती है, जो पहले से ही अपने पति कालू कौवे से लड़ाई कर रही थी। मैंने तुमसे कहा था आग कम रखो, सारे समोसे जलाकर रख दिए। तुमने आग तेज की थी, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। सुनो गौरी, तुम्हारे बेटे ने फुटबॉल मारकर मेरा घोंसला तोड़ दिया। ए मोटी बुलबुल, पहले से ही मेरा दिमाग खराब है, मेरे समोसे जल गए हैं और ऊपर से तुम आ गई हो मुझे तंग करने। तुम खुद जाकर देख लो, तुम्हारे बेटे ने इतनी जोर से फुटबॉल मारी कि मेरा सारा घोंसला टूट गया है। अरे बुलबुल, मैं समझाऊंगा राजू को। क्या समझाओगी जी, तुम जाओ मोटी बुलबुल, जाकर अपना काम करो। तो मैं किसने कहा था जहाँ मेरा बेटा खेलता है वहाँ अपना घोंसला बनाने को? मेरा बेटा तो ऐसे ही खेलेगा, तुम अपना घोंसला कहीं और जाकर बना लो। बेचारी बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। आ जाती है मुंह उठाकर, अगर दोबारा आई तो इसे इसी जलती हुई बट्टी में फेंक दूंगी। बुलबुल उड़ती हुई जा रही थी कि पेड़ पर बैठा हुआ राजू कौवा हंसता हुआ कहता है, टूट गया टूट गया, बुलबुल आंटी का घोंसला टूट गया, हा हा हा। मगर बुलबुल खामोश थी और वो उड़ती हुई वहां से चली जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर राजू कौवा पंछियों के घोंसले के पास ही फुटबॉल से खेलता है। वो कभी किसी को तंग करता तो कभी किसी को। शर्मीली तोती और मिट्टू तोता अपने घोंसले में बैठे हुए थे। ये एप्पल तुम खाओ। नहीं जी, आप खाइए पति जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तोता और तोती ऐसे बैठे हुए खाने के लिए लड़ रहे थे कि राजू का फुटबॉल आकर उनके ऊपर गिरता है और सब टूट जाता है। घोंसले का तो तिनका तिनका बिखर जाता है और एप्पल भी दूर जाकर गिरता है। शर्मीली, तुम ठीक तो हो? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? मैं ठीक हूँ पति जी, आप ठीक तो है ना? तुम रुको शर्मीली, मैं अभी इस कौवे के बच्चे को देखता हूँ। मिट्टू भागकर राजू कौवे को पकड़ लेता है। कितनी बार तुम्हें यहाँ खेलने को मना किया है कौवे, तूने मेरा घोंसला तोड़ दिया। ऐसा कहकर मिट्टू राजू कौवे को दो चार लगा देता है और राजू कौवा रोने लगता है। तुमने मारा मिट्टू अंकल, तुमने मुझे मारा। मेरी मम्मा छोड़ेगी नहीं आपको, मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। ऐसे रोता हुआ राजू कौवा वहां से चला जाता है। पति जी, आप टूटे हुए तिनके इकट्ठे करें और मैं इन्हें इकट्ठा करके घोंसले की मरम्मत करती हूँ। इधर राजू कौवा अपनी मम्मी गौरी कौवे को सब बताता है। मम्मा मम्मा, मुझे मारा, मिट्टू अंकल ने मुझे मारा। उस मोटी चौंचे वाले तोते की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को मारे, मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ। गुस्से में गौरी कौवी वहां से उड़ती है और तोता बिखरे हुए तिनके इकट्ठे कर रहा था। गौरी पीछे से जाकर तोते के एक डंडा मारती है। मोटी चोंच वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें।
मेरी बात सुनो, तुम्हारे बेटे ने पहले मेरा घोंसला तोड़ दिया, तब मैंने उसे मारा था। शर्मिली भी वहां आ जाती है, मगर गौरी कौवी तोते को मारे ही जा रही थी। शोर सुनकर चिड़िया वहां आ जाती है। बचाओ बचाओ चिड़िया बहन, मेरे पति को बचाओ, इस मनुष्य कौवी से बचाओ। गौरी शर्म करो, छोड़ दो मिट्टू को, छोड़ दो। फिर गौरी कौवी मिट्टू को छोड़ देती है। चिड़िया बहन, इसकी बेटी ने पहले हमारा घोंसला तोड़ दिया और ऊपर से मुझे मार रही है। मोटी चोंच वाले, तुम अपना घोंसला किसी और पेड़ पर जाकर बना लो, मेरा बेटा तो ऐसे ही खेलेगा। हम जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, मगर कौवी देखना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रोते हुए तोता और तोती वहां से चले जाते हैं। गौरी तुमने बहुत बुरा किया, तुमने मिट्टू और शर्मिली को इस जंगल से निकाल दिया। जाते हैं तो जाए, मुझे क्या, कोई दूसरा तोता आ जाएगा इस जंगल में। गौरी भी वहां से चली जाती है। रात को गौरी कौवी अपने बेटे के साथ घोंसले में लेटी हुई थी। कालू कौवा दूसरे घोंसले में सो रहा था। मम्मा मम्मा, आज जब मेरी फुटबॉल लगी तो तोते अंकल का घोंसला दूर जाकर गिरा और मिट्टू अंकल का एप्पल भी दूर जाकर गिरा। बस कर जाओ राजू, अब हंस हंस कर मेरा पेट तो दर्द कर रहा है। मम्मा मम्मा, कल मैं कबूतर अंकल का भी घर तोड़ूंगा। अरे हाँ, याद आया राजू बेटा, तुम उस गंदी आंखों वाले का घर तो जरूर तोड़ना, मुझे बहुत मजा आता है उसे तंग करने में। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी गरम गरम घी पर समोसे बना रहे थे। कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था। राजू कौवा जोरों से एक एक फुटबॉल को मारता है। अब तो टूटेगा टूटेगा, कबूतर अंकल का घोंसला टूटेगा। मगर राजू का फुटबॉल तो सीधा जाकर कौवे के गरम गरम घी की कढ़ाई में गिरता है और गरम गरम घी कौवे और कौवी के ऊपर गिर जाता है। मैं जल गई, हाय मैं जल गई, कालू मेरे पंख जल गए, मेरी आंखों में गरम गरम घी गिर गया। मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा, गौरी तुम कहाँ हो। वो दोनों बहुत बुरी तरह से जल जाते हैं और दोनों के दोनों रोए जा रहे थे कि तभी वहां और पंछी आ जाते हैं। गौरी ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है, अगर तुमने पहले से ही राजू को यहाँ खेलने से मना किया होता तो ये सब ना होता। मगर अब क्या हो सकता था, राजू तो रोए जा रहा था। बचा लो हमें चिड़िया बहन, हमें बचा लो। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बच्चों को बुरे कामों से रोकना चाहिए, वरना वो खुद ही किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आपका धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं हूँ टूनी चिड़िया, आप देख रहे हैं डीएम टूनी टीवी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पति बिट्टू कबूतर के साथ अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। तभी कुछ दिनों के बाद बारिश का मौसम आता है। अचानक से रात में इतनी तेज बारिश होती है कि उस बारिश के मौसम की वजह से टूनी का घोंसला टूट जाता है और अपना घोंसला टूटता देखकर टूनी चिड़िया और बिट्टू कबूतर परेशान हो जाते हैं। जब बारिश रुकती है तो टूनी चिड़िया का घोंसला पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। टूनी अपना टूटा हुआ घोंसला देखकर रोने लगती है। ये क्या हो गया जी, हमारा घोंसला तो टूट गया। हाँ टूनी, मैं देख रहा हूँ, चलो दूसरा घोंसला बनाने की तैयारी करते हैं। ऐसा बोलकर टूनी और बिट्टू कबूतर मिलकर तनके इकट्ठा करने लगते हैं और काफी मेहनत के बाद दूसरा घोंसला तैयार करने लगते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया अंडे देने वाली होती है। घोंसला दोबारा तैयार होने के कुछ ही दिनों के बाद टूनी चिड़िया अंडे देती है। 3-4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। तभी एक रात फिर अचानक तेज तूफान आता है। सारे पंछी अपना ठिकाना छोड़कर पास की एक गुफा में अपने परिवार को लेकर अंदर छुप जाते हैं। चलो टूनी जल्दी चलो, हमें भी उस गुफा के अंदर छुपना चाहिए, वरना इतनी तेज बारिश में हमारी जान भी जा सकती है, चलो जल्दी।
नहीं पति जी, तुम चले जाओ, मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो टूनी, बात मानो सभी पंछियों की तरह। चलो हम भी उस गुफा के अंदर छुप जाते हैं, वरना हमें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। जल्दी चलो। नहीं पति जी, ऐसा मत बोलो, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ और गुफा के अंदर जाकर छुप जाओ, मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, या फिर मेरे अंडों को भी ले चलो। अरे टूनी, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? चलो जल्दी चलो, देखो तूफान कितना तेज होता जा रहा है। बिट्टू कबूतर टून चिड़िया को समझा ही रहा था कि तभी तूफान में तेज हवा से उड़ती हुई एक लकड़ी आती है और टूनी के सिर पर लग जाती है और टूनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। टूनी चिड़िया को बेहोश देखकर बिट्टू कबूतर परेशान हो जाता है और जल्दी से टूनी को उठाकर गुफा में ले जाकर छुप जाता है। सारे पंछी सारी रात उस गुफा में ही रहते हैं और तूफान थमने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होती है और तूफान थम चुका था। सारे पंछी बड़ी गुफा से बाहर निकल कर आते हैं और सभी पंछी अपने उजड़े हुए घरों को देखकर रोने लगते हैं। टूनी चिड़िया और बिट्टू कबूतर भी अपने टूटे हुए घोंसले के पास आते हैं और अंडों को जमीन पर बिखरा देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। ये क्या हो गया, मेरे अंडे टूट गए, मैंने तुमसे कहा था ना मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम मुझे यहाँ से ले गए, देखो हमारे अंडे टूट गए हैं। ये देखो टूनी, पूरा जंगल भी तहस महस हो चुका है, सिर्फ तोता राम का ही बांस का घर बचा हुआ है और सभी पंछियों के घर उजड़ गए हैं। ये देखो कालू कौवा ने तो अपनी पत्नी को भी खो दिया, देखो वो बेचारा कितना रो रहा है। तभी तोता राम अपने घर से दाना लेकर आता है और सभी पंछियों को थोड़ा थोड़ा दाना देने लगता है क्योंकि सारे पंछी कल रात से भूखे थे। तोता राम को सबकी मदद करता देखकर टून चिड़िया अपने आंसू पोंछती है। बिट्टू जी, तोता राम के घर को इतने तूफान में भी कुछ क्यों नहीं हुआ? टूनी, तोता राम का घर बांस का है और बांस का घर बहुत मजबूत होता है, इसलिए बांस के घर को तूफान में कुछ नहीं हुआ। तो फिर अब से हम भी बांस का ही घर बनाएंगे और उसमें ही रहेंगे। लेकिन टूनी, बांस का घर तो बड़ी मेहनत से बनता है और इसे बनाने में भी बहुत वक्त लगता है, और इतने समय तक हम कहाँ रहेंगे? पति जी, मैं एक बार अपने अंडों को खो चुकी हूँ, दोबारा मैं अपने अंडों को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती, इसलिए अब मैं घर बनाऊंगी तो बांस का ही बनाऊंगी, नहीं तो घर नहीं बनाऊंगी। अरे टूनी, मेरी बात सुनो, तुम्हें पता नहीं शायद बांस का घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है और तोताराम का घर पुश्तैनी है, उसके पापा की पापा ने ये घर बनाया था और तब से ये घर चला आ रहा है, इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उतनी मेहनत हम और तुम नहीं कर पाएंगे। क्यों जी, अब तो मुझे ये बांस का ही घर बनाना है, सोचो अगर एक बांस का घर तीन पुश्तों से बना हुआ है और अभी तक टूटा नहीं तो सोचो ये कितना मजबूत होगा। अगर हमने आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करके बांस का घर बना लिया तो हमारे बच्चे के बच्चे भी आराम से इस बांस के घर में रह सकेंगे और किसी की मौत आंधी या तूफान से नहीं होगी, इसलिए मेहनत करने से मत घबराओ। अरे टूनी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पति जी, आप परेशान ना हो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी और हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और बांस का घर तैयार करेंगे, तुम मुझ पर भरोसा रखो। टूनी के ये सब बोलने के बाद बिट्टू कबूतर समझ जाता है और बांस का घर बनाने के लिए तैयार हो जाता है। बिट्टू कबूतर और टूनी चिड़िया खूब मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करके बांस तोड़कर लाते हैं और उससे अपना घर बनाने में जुट जाते हैं। और वहीं कालू कौवा बहुत दिनों से टूनी चिड़िया और कबूतर को बांस जमा करते देख रहा था। ये क्या बेकार की मेहनत कर रहे हो तुम दोनों? तोताराम का घर देखकर, उसका घर पुश्तैनी है पुश्तैनी, आज का नहीं बना हुआ जो तुम लोग सोच रहे हो कि तुम भी वैसा ही मजबूत घर बना लोगे, सब मेहनत बेकार हो जाएगी। पति जी, तुम लोगों की बात मत सुनो और अपने काम पर ध्यान दो, देखना हमारी मेहनत जरूर सफल होगी और हम अपना बांस का घर जरूर बनाएंगे। 2 महीने के कठिन परिश्रम के बाद टूनी चिड़िया और बिट्टू कबूतर का बांस का घर बनकर तैयार हो जाता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और मजबूत बना हुआ था। तभी जंगल के सारे पंछी टूनी और बिट्टू का घर देखकर बहुत खुश होते हैं और सारे पंछी उनको बधाई देते हैं। वहीं कालू कौवा दूर खड़ा उनका बांस का घर देखकर
अपनी कही बात पर शर्मिंदा होता है। देखो कालू, तुमने हमसे कहा था ना कि हमारी मेहनत बेकार जाएगी और हम बांस का घर नहीं बना पाएंगे, लेकिन देखो हमने अपना बांस का घर बना लिया और ये बहुत ही मजबूत बना है। हाँ टूनी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करना टूनी। कोई बात नहीं कालू भैया, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि कभी किसी की मेहनत का मजाक नहीं उड़ाओगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए और हर काम को मेहनत और लगन से करना चाहिए। ये कहानी रामपुर के जंगल की है, जहाँ के सारे पंछी अपने अपने मजबूत घरों में रहा करते थे। उसी जंगल में एक गरीब टूनी चिड़िया पेड़ की डाली पर रहा करती थी। उसका नाम टूनी था और उसका कोई घर नहीं था, कोई परिवार भी नहीं था, वो बिल्कुल अकेली रहती थी और पास के जंगल से दाना लाकर अपना गुजारा करती थी। उसकी इस मजबूरी के कारण कोई भी पंछी उसकी मदद नहीं किया करता था। इन दिनों बारिश का मौसम आने वाला था, सभी पंछियों ने अपने अपने घरों को मजबूत कर लिया था ताकि बारिश के पानी से उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और एक दिन टूनी चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठी हुई थी कि तभी उसके पास कुछ पंछी आते हैं। अरे देखो पंछियों, ये गरीब चिड़िया कैसे एक डाली पर बैठकर अपनी जिंदगी गुजार रही है, इस चिड़िया की इतनी औकात कहाँ है जो एक घर बना सके। अरे घर तो बहुत दूर की बात है, इस चिड़िया की तो घोंसला बनाने तक की औकात नहीं है। गरीब चिड़िया, सारे पंछी टूनी चिड़िया का गरीब और बेघर होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं और बेचारी चिड़िया भी उनसे कुछ नहीं बोल पाती, और जिससे टूनी चिड़िया उन सारे पंछियों की बातें सुनकर रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो सभी पंछी वहाँ से चले जाते हैं। आखिर क्यों भगवान जी, मैं इतनी गरीब क्यों हूँ, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं, क्यों मेरे पास अपना खुद का घर नहीं है, ना ही मेरे पास अपना परिवार है, क्यों मैं ही इस संसार में अकेली हूँ भगवान, इसमें मेरा क्या कसूर है भगवान, सारे पंछी मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। फिर बेचारी टूनी चिड़िया वहीं डाल पर बैठकर अपने भाग्य और भगवान को कोसने लगती है और देखते ही देखते रात हो जाती है और फिर टूनी चिड़िया उदास होकर उसी डाल पर सो जाती है। और फिर तभी आधी रात में ही बहुत तेज आवाज के साथ बारिश होती है और जंगल के सारे पेड़ और डाली टूट जाती हैं और टूनी चिड़िया जिस पेड़ की डाली पर बैठी थी वो डाली भी टूट जाती है और टूनी चिड़िया उसी पेड़ की डाली पर से नीचे जख्मी होकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है, तब टूनी चिड़िया को होश आता है। जरा देखो इस गरीब चिड़िया को, कैसे मुंह के भर जमीन पर पड़ी हुई है। अरे कल में हुई, इसलिए तो कहते हैं पंछियों को अपना घर मजबूत बना लेना चाहिए बारिश से पहले। तभी टूनी चिड़िया दर्द से रोने और चिल्लाने लगती है। अरे मेरे पैर में चोट लगी है, कोई मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो मदद करो। अरे चल भाग, तुझे छूकर हमारे हाथ भी गंदे हो जाएंगे। दूर खड़े सारे पंछी टूनी का मजाक उड़ाकर टूनी को उसी हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। बेचारी टूनी चिड़िया बहुत ही मुश्किलों से खड़ी होती है और वहां से उड़कर दूर एक बांस के खेत में जाकर बैठ जाती है। सारे पंछियों ने ठीक ही कहा था, मुझे एक पक्का घर बना लेना चाहिए, वरना बारिश में तो मेरी हालत खराब ही हो गई थी। लेकिन अब मैं घर कैसे बनाऊंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जिनसे मैं ये घर बना सकूं। कुछ देर सोचने के बाद टूनी चिड़िया को अपने सामने बांस की लकड़ियों का खेत दिखाई देता है और उसे एक आइडिया आता है। अरे वाह, इसे कहते हैं बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, यहाँ पर तो बहुत सारी बांस की लकड़ियाँ हैं, अब मैं इनसे ही अपना घर बनाऊंगी, जिससे मुझे बारिश में अपना सर छुपाने के लिए कोई तो जगह मिल जाएगी।
टूनी चिड़िया वहां पर पड़ी बांस की लकड़ियों को एक जगह पर ले जाकर इकट्ठा करती है और उनसे अपना बांस का घर बनाने लगती है। कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद टूनी चिड़िया अपना एक बहुत ही सुंदर सा बांस का घर बना लेती है और उसमें आराम से रहने लगती है कि कुछ दिन बीतने के बाद और एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आता है जिससे जंगल के सभी पंछियों के मजबूत घर भी टूट जाते हैं और सबके घर टूटकर नीचे गिर जाते हैं और सभी पंछी बहुत परेशान होते हैं। अरे दोस्तों, इस तूफान ने तो हमारे मजबूत घरों को भी तोड़ दिया। अरे भाइयों सुनो, ये टूनी ने बहुत मजबूत बांस का घर बनाया है, चलो अब हम उसके पास ही चल के देखते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। फिर सारे पंछी टूनी चिड़िया के घर जाते हैं। अरे टूनी, हमने सुना है तेरा बांस का घर बहुत मजबूत है, हम सबके घर तो तेज तूफान की वजह से गिर गए लेकिन तेरे इस घर को तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ टूनी, हमें बहुत शर्मिंदगी है और टूनी हमने तुझे बहुत बुरा भला कहा, तेरी कभी मदद भी नहीं की, प्लीज़ हमें माफ़ कर दे, हम आज के बाद से तुझे कभी उल्टा सीधा कुछ भी नहीं कहेंगे, तू प्लीज़ हमें घर में रहने दे और हमें माफ़ कर दे, हम सभी पंछी कहाँ जाएंगे। कोई बात नहीं पंछियों, शायद इसमें मेरी भी कुछ गलती थी, अब बस तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो गया है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, आ जाओ मेरे घर में, आ जाओ सभी। फिर टूनी चिड़िया सभी पंछियों को अपने घर में बुला लेती है और वो सभी खुशी खुशी टूनी के साथ रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अकेले ही एक बड़े से पेड़ पर अपने एक छोटे से घोंसले में रहती थी। टूनी चिड़िया के पति का हाल ही में एक दुर्घटना में निधन हो गया था, तब से टूनी चिड़िया अकेले ही अपना जीवन गुजर बसर कर रही थी। टूनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 3 अंडे दे रखे थे, उसका घोंसला इतना छोटा था कि उसमें 3 अंडे रखने के बाद घोंसले में थोड़ी सी भी जगह नहीं रहती थी, इसलिए चिड़िया हर समय घोंसले के बाहर ही डाली पर बैठा करती थी, यहाँ तक कि उसी डाली पर सोया भी करती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी अपने अंडों पर नज़र रख रही थी, तभी अचानक जंगल के कुछ पंछी भागदौड़ कर रहे थे। ये देखकर टूनी चिड़िया हरिया तूता को आवाज़ लगाती है। अरे हरिया काका, ओ हरिया काका। अरे अरे चिड़िया बहन, अरे आप यहाँ क्यों बैठी हो, अरे अपने अंडों को लेकर यहाँ से जल्दी भागो, जल्दी करो। क्या काका, क्या हो गया? अरे चिड़िया बहन, हमारे जंगल में एक बहुत खतरनाक बाज घुसा आया है और वो पंछियों के अंडे और अपने बच्चों को खा रहा है, इसलिए हम सब अपने बच्चों को लेकर इस जगह से भाग रहे हैं, आप भी अपने अंडों को लेकर यहाँ से भाग जाइए वरना वो तुम्हारे अंडों को भी खा जाएगा, जल्दी भागो। इतना कहकर हरिया तोता अपनी बेटी को लेकर वहां से उड़ जाता है। ये बात सुनकर टूनी चिड़िया घबरा जाती है। अरे मेरे तो 3 अंडे हैं, अब मैं क्या करूं, मैं एक साथ 3 अंडों को नहीं ले जा सकती, क्या करूं? टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपने अंडों को उस बाज से बचाया जाए। तभी टूनी चिड़िया की नज़र उसी बरगद के पेड़ के पत्तों पर पड़ती है, जिसके बाद टूनी चिड़िया एक एक करके कई सारे पत्ते तोड़कर अपने घोंसले और अपने अंडों को उन पत्तों से छुपा देती है। अब मेरे अंडों को बाज नहीं देख पाएगा। तभी वो बाज वहाँ आ जाता है। फिर टूनी चिड़िया उस बाज को देखकर एक पेड़ की डाली के पीछे जाकर छुप जाती है। बाज भी उसी डाली पर आकर बैठ जाता है जहाँ टूनी चिड़िया के अंडे और उसके घोंसले पड़े हुए थे। अरे बाप रे, ये बाज तो मेरे घोंसले के पास ही आकर बैठ गया, अगर इसने मेरे घोंसले को देख लिया तो ये मेरे 3 अंडों को खा जाएगा। मैं जंगल के हर पंछी के अंडे को खा जाऊंगा। तभी बाज की नजर उन पत्तों पर पड़ती है जहाँ टूनी चिड़िया का घोंसला था। अरे ये इतने सारे पत्ते यहाँ कैसे, चलो मैं देखता हूँ इसके नीचे क्या है। बाज वहाँ आ जाता है और सारे पत्तों को हटाता है। वो पत्तों को जैसे ही हटाता है वहाँ घोंसले में टूनी चिड़िया के 3 अंडे पड़े हुए थे। ये देखकर बाज बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, यहाँ तो 3 अंडे हैं, आज तो मजा आ गया।
तभी टूनी चिड़िया जल्दी से उड़कर वहां आ जाती है। अरे बाज भाई, आप ये क्या कर रहे हो, रुको। अरे चिड़िया, मैं इन तीनों अंडों को खाने जा रहा हूँ, तुम्हें क्या हुआ? अरे नहीं नहीं बाज भाई, आप ऐसा मत करना वरना आपका पेट खराब हो जाएगा। अरे वाह, इन अंडों को खाने पर मेरा पेट खराब हो जाएगा, फिर तो मैं इन अंडों को जरूर खाऊंगा। लगता है ये बाज पागल है, इसे हर बात उल्टी समझ में आती है। अरे बाज भाई, ये जादुई अंडे हैं। क्या जादुई अंडे, वो कैसे चिड़िया? हाँ बाज भाई, ये अनजान पंछी का घोंसला है, उसने इस घोंसले में अंडा दिया था और पता नहीं फिर वो कहाँ चला गया। उसके बाद ये एक से दो अंडे हो गए और अपने आप ही दो से तीन अंडे हो गए। जंगल के पंछियों ने जब इसे देखा तो कोई भी पंछी इन अंडों के पास नहीं आता। आप इन्हें मत खाइए वरना आपके साथ क्या होगा, इस बात का अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते हो। अरे वाह, ये अंडे अपने आप ही एक से दो और दो से तीन हो गए, इसका मतलब ये तीन से चार और चार से पांच भी हो सकते हैं। हाँ ठीक है बहन, क्योंकि ये जादुई अंडे है ना, इसलिए इसका मतलब ये सौ अंडे भी हो सकते हैं। अब तो मैं इन अंडों को गोद में रखूंगा और पूरे सौ अंडे हो जाएंगे तो मैं इन्हें खा जाऊंगा। अच्छा बहन, अब तुम जाओ। टूनी चिड़िया वहां से उठकर बगल वाली पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाती है और वहीं से अपने अंडों और अपने घोंसलों पर नजर रखती है। वो बाज उसी घोंसले के आजू बाजू घूमता रहता है। ये तो एक नंबर का पागल बाज है, मैं इसे कैसे और कौन सी बात कह रही हूँ और ये क्या सुन रहा है, और इसने तो मेरे अंडों और मेरे घोंसले पर ही कब्जा कर लिया है। मुझे कैसे भी अपने अंडों को यहाँ से निकालना होगा, इस पागलबाज का कोई भरोसा नहीं है, कभी मेरे अंडों को खा जाए। टून चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठकर अपने अंडों पर नजर रख रही थी, उधर वो पागलबाज पूरे घोंसले का चक्कर लगा रहा था। अरे अरे अंडों, जल्दी से सौ अंडे हो जाओ। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं और वो तीन अंडे जैसे के तैसे उस घोंसले में पड़े हुए थे। जब बाज ये देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और वो टूनी चिड़िया को आवाज लगाता है। अरे कहाँ हो चिड़िया, अरे चिड़िया बहन कहाँ हो, इधर तो आओ। टूनी चिड़िया भी कई दिनों से वहीं पर बैठकर अपने अंडों पर नजर रख रही थी। बाज की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया बाज के पास आती है। क्या हुआ बाज भाई, आप मुझे क्यों बुला रहे हो? अरे चिड़िया, तुमने तो कहा था ये अंडे अपने आप ही एक से दो हो जाते हैं। इस पागल बाज के चक्कर में कहीं मैं भी ना पागल हो जाऊं, पता नहीं इस पागल बाज को कहां से मेरे अंडे दिख गए। अरे बाज भाई, ये जादुई अंडे हैं और ये एक से दो तभी होते हैं जब इन्हें कोई भी नहीं देख रहा होता, और आप तो हर समय इन अंडों पर नजर रखे हो, तो फिर ये अंडे तीन से चार कैसे होंगे? अरे बाज भाई, आप रात को सो जाया करो, जब आप रात में सो जाएंगे ना तब आप देखेंगे कि ये सवेरे अंडे तीन से चार हो जाएंगे। अच्छा चिड़िया, ऐसा है क्या, तो फिर आज रात में मैं सो जाता हूँ, फिर देखता हूँ। रात के समय बाज उसी घोंसले के बाहर गहरी नींद में सो गया। तभी टूनी चिड़िया के एक अंडे से एक बच्चा बाहर निकल आता है। ये देखकर टूनी चिड़िया फौरन अपने अंडों के पास आती है। अरे मेरे तो एक अंडे से मेरा बच्चा निकल आया है, मुझे जल्दी से इस बच्चे को यहाँ से ले जाना होगा, अगर इस बाज ने देख लिया तो ये मेरे बच्चे को खा जाएगा। टूनी चिड़िया का बच्चा जैसे ही आवाज करने लगता है तो टूनी चिड़िया अपने पैरों से अपने बच्चे को छुपाकर वहां से लेकर दूसरे पेड़ पर आ जाती है। तभी दोनों अंडों से भी उसके बच्चे निकल आते हैं। चलो अच्छा ही हुआ मेरे तीनों अंडों से बच्चे बाहर निकल आए, अब मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। टूनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों को ले जाती है और वहां से कहीं दूर चली जाती है। उसके घोंसले में उसके अंडे के दो दो खाली टुकड़े पड़े हुए थे। अगले दिन सुबह जब वो पागलबाज इतने सारे खाली अंडों के टुकड़े देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, ये अंडों को किसने फोड़ दिया, वो टूनी चिड़िया कहाँ है? टूनी चिड़िया तो पागलबाज को पागल बनाकर वहां से कहीं दूर चली गई और टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। रामपुर के जंगल में एक टूनी चिड़िया रहा करती थी। उसके पति बिट्टू कबूतर की
एक साल पहले ही पेड़ गिरने से मौत हो गई थी और अभी टूनी चिड़िया ने दो अंडे दिए थे। टूनी बहुत ही गरीब थी। वो मिट्टू सेठ के घर मेहनत मजदूरी किया करती थी। एक दिन वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी और सोच रही थी, हे भगवान, कुछ ही दिनों में मेरे अंडों से बच्चे बाहर आ जाएंगे और मेरा खर्च भी बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा करती हूँ, सेठ जी से कुछ उधार रुपए मांग लेती हूँ। ये सोचकर वो टूनी चिड़िया सेठ के पास गई। सेठ जी, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। मेरी बच्ची कुछ ही दिनों में अंडों से बाहर आ जाएगी। उसके आने से पहले मुझे अपना पक्का और मजबूत घर बनाना है और बच्चों की देखभाल भी करनी है ताकि मैं उसकी अच्छे से परवरिश कर सकूं। अब मैं तुम्हें एक रुपया भी उधार नहीं दूंगा। तुम पिछले महीने ही उधार लेकर गई थी, अभी तक उसे नहीं चुकाया और अभी और चाहिए। चलो जाओ यहाँ से। उदास होकर टूनी अपने घोंसले में लौट आती है। हे भगवान, तुम मुझे और कितना दुख दोगे? तुमने मुझसे मेरे पति को भी छीन लिया, अब मैं अकेली अपने कैसे दुख दूर करूं? हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। थक हार कर टूनी चिड़िया सो जाती है और अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो वो देखती है कि बाहर तो बारिश हो रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बारिश का मौसम तो शुरू हो गया है, मुझे किसी तरह अपने अंडों को बचाना होगा। टूनी जल्दी से अपने दोनों अंडों को लेकर अपनी सहेली लाडो चिड़िया के घर जाती है। अरे लाडो बहन, दरवाजा खोलो। मैं टूनी बहन, बाहर बहुत बारिश हो रही है, दरवाजा खोलो। अरे टूनी, तुम इतनी तेज बारिश में मेरे घर क्या करने आई हो? लाडो बहन, मेरा घर बहुत कमजोर है और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मेरा अंडा खराब हो जाएगा। मेरे अंडों को अपने घर में रख लो बहन, फिर मैं आके ले जाऊंगी। नहीं नहीं लाडो, तुम्हारा अंडा अपने घर में मैं नहीं रख सकती, और कहीं जाओ। लाडो चिड़िया अपने घर का दरवाजा झट से बंद कर लेती है और उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था और बारिश तेज होती जा रही थी। हे भगवान, इतनी तेज बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उसे कालू कौवे का घर दिखाई देता है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, मेरे अंडे अपने घर में रख लो कुछ समय के लिए, इतनी तेज बारिश में मेरा अंडा खराब हो जाएगा, तुम तो मेरी मदद करो। ठीक है टूनी बहन, कोई बात नहीं, आओ अंदर आओ और अपने अंडे रख दो। टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने दोनों अंडों को कालू कौवे के घर में रख देती है और नया घर बनाने के लिए लकड़ियां चुनने चली जाती है। और जंगल में बहुत देर घूमने पर उसे एक आम का पेड़ दिखाई देता है। ये आम का पेड़ तो बहुत घना है और इस पर आम भी बहुत ज्यादा लगे हैं, मैं इसी पर अपना घर बनाऊंगी और अंडे भी खराब नहीं होंगे। टूनी चिड़िया रात भर मेहनत करती है और सुबह होने से पहले ही वो अपना घर बना लेती है और बारिश भी रुक जाती है। फिर वो कालू कौवे के घर से अपने दोनों अंडों को लेकर आने लगती है कि अपने घर पहुंचते पहुंचते अचानक उसके पंजों से अंडे छूट जाते हैं और जमीन पर गिरकर फूट जाते हैं। अरे नहीं, मेरे अंडे तो टूट गए। हे भगवान, मुझ गरीब को अब कितना दुख दोगे? तुमने मेरे जीने का सहारा भी छीन लिया, ऐसा क्यों किया भगवान? टूनी चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। तभी एक पेड़ के नीचे उसे एक सुनहरा अंडा दिखाई देता है। वो अंडा बहुत ही चमक रहा था और हिलडुल रहा था। अरे ये अंडा तो बहुत खूबसूरत है, पता नहीं किस पंछी का है, शायद बारिश के पानी में बहकर यहाँ पर आ गया है। टूनी चिड़िया उस अंडे के पास जाती है और उस पर अपनी चोंच मारती है। तुरंत वो अंडा फूट जाता है और उस अंडे से एक प्यारा सा बच्चा बाहर आता है। हे ऊपर वाले, ये तेरी कैसी लीला है? मैंने अपने बच्चों को तो खो दिया, लेकिन अब मैं इस बच्चे को अपना प्यार दूंगी और इसे अपने बच्चे की तरह ही पालूंगी। टूनी चिड़िया उस बच्चे को लेकर अपने घोंसले में आती है और खुशी खुशी उस बच्चे को पालने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। रामपुर के जंगल में एक सांप ने तो कहर मचाया हुआ था। वो तो रोजाना ही किसी न किसी पंछी के अंडे को खाकर अपना पेट भरता था। कालू कौवे, ये तुम्हारा बेटा है ना? अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो अपने सभी अंडे मुझे दे दो, वरना मैं इसे मार डालूंगा। बाबा बाबा, मुझे बचा लो बाबा, ये सांप मुझे मार देगा बाबा, मुझे बचा लो।
सांप भाई मेरे बच्चे को छोड़ दो, जाने दो मेरे बच्चे को, मैं तुम्हें अपने सभी अंडे दे देता हूँ। गौरी दे दो अपने अंडे, वरना ये जालिम सांप तो मेरे बेटे को मार ही डालेगा। फिर वो सांप गौरी कौवे का अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। कालू जी, ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरा अंडा उस सांप को क्यों दे दिया आपने? मैं और क्या करता गौरी, अगर मैं अंडा ना देता तो ये सांप तो हमारे राज कौवे को मार कर खा जाता। इससे तो अच्छा है ना कि वो हमारा अंडा ले गया। ये क्या हो गया है हमारे जंगल में? ना जाने सांप हमारे जंगल में अचानक कहाँ से आ गया। इसने तो हमारे जंगल में कहर मचा कर रखा है। अब तो सभी पंछियों को अपने अपने अंडों की बहुत चिंता थी और जंगल के सभी पंछी डरे हुए थे, और इस वजह से जंगल के पंछी अपने घरों से कहीं बाहर नहीं जाते थे। सुनो जी, अगर हम घर में इसी तरह से बैठे रहे तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? भोजन लेने के लिए तो हमें घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। हाँ हरियाली, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा हम एक काम करते हैं, तुम यहीं बैठकर अंडों का ध्यान रखो, मैं बस यूं गया और यूं भोजन लेकर आया। लेकिन याद रहे घर का दरवाजा बंद ही रखना और घर से बाहर बिल्कुल मत जाना, ठीक है? ऐसा कहकर मिट्टू तोता भोजन की तलाश में घर से बाहर चला जाता है। बस तभी उसके जाने के बाद वो जालिम सांप भी वहाँ आ जाता है। अब देखो मैं अपना कमाल कैसे दिखाता हूँ, और देखना ये पंछी दरवाजा कैसे खोलते हैं। फिर वो सांप नन्हे पंछी की आवाज निकालने लगता है। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, वरना मैं मारा जाऊंगा। मेरे पीछे छील पड़ी हुई है, जल्दी खोलो। अरे नहीं, ये तो नन्हे पंछी की आवाज है, लगता है उसकी जान खतरे में है। हाँ मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से दरवाजा खोल के उसे अपने घर में बुला लेती हूँ, कम से कम बेचारे की जान तो बच जाएगी। ऐसा सोचकर हरियाली तूती अपने घर का दरवाजा खोलती है, तभी वो सांप जल्दी से उसके घर में आ जाता है। बड़े आए, दरवाजा नहीं खोलने वाले, कैसा उल्लू बनाया, दरवाजा फौरन से खोल दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, तुम्हारे ये दोनों अंडे खा जाऊंगा मैं। नहीं सांप भैया, भैया मुझ पर कुछ दया करो, मेरे अंडों को जाने दो, इसके बदले तुम मुझसे जो कहोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगी। ए मोटी चोंच वाली, मुझे इन अंडों के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अंडे ही खाऊंगा। बस वो सांप इतना कहकर उस तोती के दोनों अंडों को खा जाता है, और जंगल में तो सांप का कहर बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण अब तो पंछी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। पंछियों हमें चील महाराज से बात करनी चाहिए, उनसे गुस्से में कहना चाहिए कि वो हमारी मदद क्यों नहीं करते, वो तो हमारे महाराज है ना। कोई फायदा नहीं कबूतर भाई, चील महाराज तो बेचारे खुद बहुत ज्यादा परेशान है, उस सांप ने तो चील महाराज को भी नहीं छोड़ा, वो तो चील महाराज के भी अंडे खा गया है, और हम पंछी तो बहुत कमजोर हैं, हम भला उस सांप का क्या मुकाबला कर सकते हैं। ठीक कह रही हो तुम बुलबुल, इस समस्या का कोई ना कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सांप आहिस्ता आहिस्ता जंगल के सभी अंडों को खा जाएगा, और फिर हमारे जंगल में एक भी नन्ना पंछी नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं गौरी कौवी, ऐसा नहीं हो सकता। वही टूनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर दूसरे जंगल से वापस अपने जंगल में आ जाती है। क्या हुआ पंछियों, आप सब मुझे इतने ज्यादा उदास क्यों लग रहे हो? अरे टूनी चिड़िया, अभी तुम क्यों आ गई इस जंगल में, तुम जाओ जाओ यहाँ से। ए गौरी, ये जंगल मेरा भी है, मैं भला अपने जंगल में क्यों ना आऊं? अरे तुम्हें नहीं पता क्या टूनी चिड़िया, तुम्हारे जाते ही हमारे जंगल में कहर आ गया है, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा सांप आ गया है, जो रोजाना ही हम पंछियों के अंडे खा रहा है, ना जाने वो जालिम हम पंछियों के अब तक कितने अंडे खा चुका होगा, और तो और वो हमारे जंगल से जाता भी नहीं है, अब तो हमारे जंगल की बर्बादी पक्की है। हाय राम, ये क्या कह रही हो गौरी, लगता है हमारे जंगल को किसी की नज़र लग गई है। नहीं टूनी चिड़िया, तुम जल्दी करो अपने अंडों को लेकर वापस दूसरे जंगल चली जाओ, वरना तो वो जालिम सांप किसी भी वक्त यहाँ पर आता होगा और वो तुम्हारे अंडों को भी खा जाएगा। नहीं नहीं बुलबुल बहन, अब मैं नहीं जा सकती,
क्योंकि दूसरे जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए तो मैं यहाँ पर आ गई। टूनी चिड़िया, तुम्हारा अपना इस जंगल में एक मजबूत सा घर तो है ना, तुम जल्दी से अपने अंडों को वहाँ ले जाओ। फिर वो टूनी चिड़िया अपने दोनों अंडों को अच्छे से अपने घर में रखकर टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में निकल जाती है। फिर उड़ते उड़ते उसे वही सांप दिखाई देता है और चिड़िया अपनी आंखों से देखती है कि वो जालिम सांप किसी पंछी के अंडों को आराम से खा रहा था। अरे पंछियों की बात तो बिल्कुल ठीक निकली, ये सांप तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम पंछी इसे इतनी आसानी से तो हरा नहीं सकते। देखो तो ये सांप हम पंछियों के अंडे कितने मजे ले लेकर खा रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा जंगल तो खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया सभी पंछियों के पास जाती है। सुनो पंछियों, मुझे एक बहुत बढ़िया उपाय मिला है जिससे हम उस ताकतवर सांप को हरा सकते हैं। अच्छा वो क्या है टूनी चिड़िया, जल्दी बताओ हमें। फिर टूनी चिड़िया अपना उपाय बिट्टू कबूतर को बताती है। हाँ टूनी चिड़िया, उपाय तो सच में बहुत बढ़िया है, इससे तो हम उस सांप को आसानी से हरा सकते हैं। चलो ठीक है पंछियों, मैंने तुम्हें जैसा कहा है तुम बिल्कुल वैसा ही करना, अभी मैं जा रही हूँ। उपाय के मुताबिक टूनी चिड़िया उस सांप के पास जाती है और टूनी चिड़िया सांप के पास जाकर बीन बजाने लगती है। बीन की मधुर आवाज सुनकर सांप तो टूनी चिड़िया के बस में आ जाता है। बस तभी कालू कौवा एक बड़ा सा चाकू लेकर वहां पर आता है और उस चाकू से सांप पर वार करता है, जिस कारण वो सांप उसी समय मर जाता है। इस तरह से टूनी चिड़िया का उपाय काम कर जाता है और उनके जंगल को सांप से मुक्ति मिल जाती है। टूनी ससुराल में बहुत से सपने सजा कर आई थी, सोचा था बिट्टू की नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी है वो ससुराल में नहीं मिलेगी, छोटा परिवार है, बंटी की दो बहनें और माँ थी, पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूँगी। कुछ दिन बहुत अच्छे से बीते, मगर एक दिन पता चला कि बिट्टू की नौकरी छूट गई और सारे सपने हवा हो गए। अब क्या करें बिट्टू जी, कहाँ से खर्च चलेगा, अभी तो तुम्हारी दो जवान बहनें हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी, कैसे होगा सब। क्या करूं टूनी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए मगर बिट्टू को कहीं काम नहीं मिला, जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिन बाद टूनी को एक बेटी हुई, टूनी की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। बंटी, अब तो हमारी 2 बेटी भी हो गई हैं, अपनी इच्छाएं तो मैं मार भी लूं, पर बच्चों की जरूरतें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी ना। हाँ टूनी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। और 1 साल बाद टूनी ने एक और बेटी को जन्म दिया, तब बिट्टू की माँ बोली, बंटी बेटा एक बहन की शादी तो हो गई मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा। माँ अब मैं क्या करूँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे, मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ पर कहीं काम नहीं मिल रहा। बिट्टू जी बहनों के लिए मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई हैं, उनके लिए क्या बेचोगे। टूनी मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि अब मैं ठेला लगाऊं, ये मुझसे नहीं होगा। ये सुनकर टूनी रोने लगी और बोली, क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए भी तरसती रहूं, दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती हैं, क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं, जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो ना, या मुझे ही काम करना पड़ेगा। नहीं टूनी, हमारे घर की बहू बेटियां काम नहीं करती। टूनी चिड़िया अब बहुत ही दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब तो रोज ही बिट्टू और टूनी के बीच में लड़ाई रहने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बिट्टू ने आत्महत्या कर ली, टूनी के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, क्या करूँ। अब जिम्मेदारी टूनी के सर पर थी, बूढ़ी सास अपनी दोनों बेटियों के साथ रहती और घोंसले का किराया कुछ आसपास के पंछी गरीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद कर दिया करते थे।
टूनी अपनी सास से बोली, माँ अब तो 2 महीने गुजर गए हैं, जो घर में पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि हमारी बच्चियां भी गरीबी में दिन गुजारें। मगर तू करेगी क्या बहू, अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। हाँ माँ मुझे पता है, लेकिन कोई तो मदद करेगा। टूनी ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी कर्ज। मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। टूनी तो निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, पर इतने पैसे मैं क्या करूं। एक दिन उसे उसके ही जंगल का टीटू चिड़ा मिला। वो टूनी की शादी से पहले टूनी को बहुत पसंद किया करता था, लेकिन उससे कभी कुछ कह नहीं पाया था। अरे टूनी कैसी हो तुम, यहाँ कैसे, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना। टीटू मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पास में ही किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पर कैसे। मेरे पति नहीं है टीटू, नौकरी छूट गई, घर बिक गया, बहुत ही गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1,000 रुपए हैं, उसमें मुझे घर का खर्च भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियां भी हैं, कोई सहारा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम ही कोई मदद करो ना। अरे तुम चिंता मत करो टूनी, तुम चलो मेरे साथ। टीटू चिड़ा उसे चूड़ियों की थोक रेट वाली दुकान पर ले जाता है। ये मेरी ही दुकान है टूनी, फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1,000 रुपए की चूड़ियां दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं ये तुम्हें आधे रेट पर दे रहा हूँ, लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियां हैं, पहले कम में बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखाई दे 30 रुपए दर्जन बेचना। टूनी बहुत खुश हुई और उसकी सारी परेशानी का हल उसे मिल गया था। वो चूड़ियां बेचने लगी। चूड़ियां ले लो चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, सुहाग वाली चूड़ियां ले लो। वो घर घर जाकर चूड़ियां बेचती है और बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को देख लेती। आसपास के पंछी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसकी चूड़ियां पसंद आने लगी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियां तो टूनी के पास ही सुंदर होती हैं, हम तो उसी से खरीदेंगे। तीज त्योहार और शादियों में चूड़ी पहनाने के लिए उसे ही बुलाया जाता था, जिससे उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। इस तरह 1 साल गुजर गया, टूनी के अब अच्छे दिन आने लगे थे। टूनी टीटू चुड़ा से बोली, टीटू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारी वजह से ही मैं आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने तक की नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है टूनी, मैंने कुछ नहीं किया, जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रामपुर के जंगलों में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था, जोरों से बारिश हो रही थी। एक दिन टूनी अपने पति से कहती है, सुनो जी मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बार हम लोग अपने खेत में जामुन की फसल उगाएं। अगर फसल अच्छी हुई तो आधी फसल बेच देंगे और जो पैसे मिलेंगे उससे अपना पक्का घर बना लेंगे। तुम ठीक कह रही हो टूनी, इस बार हम अपने खेत में जामुन की फसल ही उगाएंगे, लेकिन टूनी एक परेशानी है, हम बीज कहाँ से लाएंगे, उसके लिए तो बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसकी चिंता आप मत करो जी, मैं अपनी बबली मौसी के घर जाऊंगी और उनके यहाँ से जामुन के बीज लेकर आऊंगी, क्योंकि पिछले साल ही मौसी के खेतों में जामुन की अच्छी फसल हुई थी। अगर अपनी फसल अच्छी हुई तो हम मौसी के बीज जितना जामुन उन्हें वापस कर देंगे और ऐसे हमारा काम भी हो जाएगा और पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगले दिन दोनों पति पत्नी बीज लेने के लिए बबली मौसी के घर जाते हैं। क्यों टूनी आज मौसी की याद कैसे आ गई,
वैसे तो तुम मुझे कभी याद नहीं करती, जरूर तुमको मुझसे कोई काम होगा तभी तुम मेरे पास आई हो। अब बताओ भी मुझसे क्या काम है तुमको? अब क्या बताऊं मौसी, घर के काम काज और खेत से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारा खेत खाली पड़ा है, अभी तक हमने किसी फसल की अपने खेत में बुवाई नहीं की है। बारिश हो रही थी तो सोचा इस बार अपने खेत में जामुन की खेती करूं, पर बीज खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अगर आप हमें जामुन के बीज दे देती तो आपकी हम पर बहुत बड़ी कृपा होती। जैसे ही हमारी जामुन की फसल पक जाएगी हम आपको बीज वापस कर देंगे और जामुन भी। तो ठीक है, ले लो बीज मुझसे, पर तुम समय से मेरे बीज के बराबर जामुन मुझे वापस कर देना। बबली मौसी टूनी चिड़िया को जामुन के बीज दे देती है। टूनी चिड़िया और कालू कौआ बीज लेकर घर वापस आते हैं और दोनों मिलकर अपने खेत में जामुन के बीज को बिखेर देते हैं। इस तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन, कई दिन हो गए जी खेत में बीज डाले, चलो अब चलकर एक बार खेत देख लेते हैं। खेत पर जाकर कालू देखता है, अरे ये क्या हो गया, फसल तो सूख रही है, इन्हें पानी देना होगा नहीं तो ये पूरी तरह से सूख जाएंगे। दोनों मिलकर पास वाली नदी से पानी लाते हैं और अपने खेत में डालते हैं। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। खेत में उनके जामुन के पेड़ लहराने लगते हैं। जब उनकी जामुन की फसल पक जाती है तब वो अपने जामुन को तोड़कर बाजार में बेचने की तैयारी करने लगते हैं। तभी जंगल का मुखिया वहां आ जाता है। अरे तू अपनी जामुन की फसल मुझे बेच दे, कहां तू इसे लेकर मंडी बेचने जाएगी, मैं तुझे इसके बदले पैसे दे दूंगा। नहीं मुखिया जी, मैं अभी अपने जामुन को नहीं बेचूंगी, जब बाजार में इसका दाम बढ़ेगा तो मैं इसको बेचूंगी। टूनी की बात सुनकर मुखिया गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन टूनी चिड़िया जामुन के बीज के बराबर जामुन अपनी मौसी को वापस कर देती है और कुछ दिनों के बाद बाजार में जामुन के भाव बढ़ जाते हैं। कई पंछी कालू कौवे के घर आते हैं, अरे कालू भैया मुझे 2 किलो जामुन चाहिए। कालू भैया मुझे भी 10 किलो जामुन चाहिए, मैं तुमको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। और इस तरह से कालू कौवे के सभी जामुन कुछ ही घंटों में बिक जाते हैं। पैसों की गड्डी देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। टूनी ये सब तुम्हारी ही वजह से संभव हुआ है और अब हम इन पैसों से सबसे पहले अपना घर बनवाएंगे। नहीं जी, घर तो बनता ही रहेगा, सबसे पहले तुम जाकर साहूकार का कर्ज चुका दो। तुम्हें तो पता ही है कि साहूकार की नजर बहुत दिनों से हमारी जमीन पर है। हाँ टूनी तुम सही बोल रही हो, मैं अभी जाकर सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाता हूँ। कालू कौवा साहूकार को कर्ज का पैसा दे देता है और कर्ज चुकाकर कालू बहुत खुश होता है और इस तरह से जामुन की खेती करके वो अपने लिए पक्का घर बनाते हैं और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, अमेज़न के जंगलों में एक जादुई नील पॉलिश का पेड़ था। उस पर बहुत सारी नील पॉलिश लगा करती थी। उन नील पॉलिश की खासियत ये थी कि जो भी चिड़िया उस नील पॉलिश को लगाती थी वो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती थी। लेकिन वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा घमंडी था। उस पेड़ के चारों ओर दीवारें बनी हुई थीं जिससे हर कोई उसके पास नहीं आ पाता था और वो पेड़ सिर्फ अमीर चिड़िया को ही नील पॉलिश दिया करता था, गरीब चिड़िया को अपने पास भी नहीं आने देता था। उसी जंगल में एक गरीब और बदसूरत चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम टूनी था। एक दिन वो उस पेड़ के पास नेल पॉलिश लेने आती है। पेड़ भैया मुझे एक नेल पॉलिश दे दो, बहुत समय से मेरी शादी नहीं हो रही है क्योंकि मैं बहुत गरीब और बदसूरत हूँ। अरे हट बदसूरत चिड़िया, मैं तुझे कोई नेल पॉलिश नहीं देने वाला, चली जाए यहाँ से। मेरी एक दोस्त ने तुम्हारे बारे में बताया था, मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आई हूँ,
मुझे बस एक नेल पॉलिश दे दो। खुद की शक्ल देखी है आईने में, मैं तुझे एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। वैसे भी मुझे तुझ जैसी गरीब चिड़िया से नफरत है। चल भाग यहाँ से, वरना तेरी बदसूरती मुझ पर भी चढ़ जाएगी। मुझे निराश मत करो, मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आई हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही है और मेरी मम्मी पापा मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं उनका अब और दुख नहीं देख सकती। प्लीज मुझे एक नेल पॉलिश दे दो ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नेल पॉलिश नहीं दे सकता। मेरा एक रूल है कि मैं सिर्फ अमीर चिड़िया को ही नेल पॉलिश देता हूँ, गरीब को नहीं। वो पेड़ उसकी काफी बेइज्जती करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है और उस पेड़ से थोड़ा सा दूर जाकर बैठ जाती है। और तभी वहाँ पर एक अमीर लड़की कौवी उड़नतस्त्री में आती है। पेड़ भैया, मैं जो जो हूँ, मैं टीटू सेठ की पत्नी हूँ। मैं आपके पास नेल पॉलिश लेने आई हूँ, मुझे प्लीज नेल पॉलिश दे दो। जो जो, तुम जितनी चाहो उतनी नेल पॉलिश ले सकती हो। मैं वैसे भी किसी अमीर पक्षी को निराश नहीं करता। मैं अमीर पक्षियों को सब कुछ देता हूँ, लेकिन गरीब को कुछ नहीं। वो देखो, वहाँ पर एक गरीब चिड़िया बैठी है। उसने नेल पॉलिश के लिए काफी विनती की थी, लेकिन मैंने नहीं दी। ये कहकर वो दीवार को गायब कर देता है और फिर जोजो कौवी अपनी मनपसंद की नेल पॉलिश ले जाती है और फिर वापस अपनी उड़न तस्तरी में बैठकर जाने लगती है। टूनी चिड़िया ये सब देख रही थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस जोजो कौवी से कुछ नेल पॉलिश मांगूं, ये तो बहुत अमीर है, ये मुझे दे देगी। ये सोचकर टूनी चिड़िया उस उड़न तस्तरी का पीछा करने लगती है। जोजो की उड़न तस्तरी काफी तेज थी, इसलिए टूनी चिड़िया उसे रास्ते में नहीं रोक पाई। टूनी चिड़िया उसका पीछा करते करते एक दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। फिर जोजो कौवी अपनी उड़न तस्तरी के साथ अपने एक पेड़ की गुफा में पहुंच जाती है। टूनी चिड़िया गुफा से बाहर बैठी ये सब देख रही थी कि जोजो कौवी एक बूढ़ी चिड़िया में बदल गई थी। अरे ये क्या हुआ, ये कौवी तो अभी बहुत जवान थी, ये बूढ़ी कैसे हो गई? टूनी चिड़िया देखती है कि जोजो नेल पॉलिश लगा रही थी और देखते ही देखते वो कौवी जवान हो जाती है। अरे वाह, ये नेल पॉलिश तो कितनी शक्तिशाली है, इसने मुझे जवान बना दिया। अगर इस नेल पॉलिश में इतनी ताकत है तो उस पेड़ में कितनी ताकत होगी। अगर मैं उस पेड़ को जलाकर उसकी राख खा लूं तो मैं हमेशा के लिए सुंदर हो जाऊंगी। ऐसे खुश होकर वो हंसने लगती है। जोजो की ये सारी बातें टूनी चिड़िया सुन रही थी। उसकी ये सारी बातें सुनकर टूनी उदास हो जाती है और सोचने लगती है, मुझे ये खबर जल्दी से जल्दी पेड़ भैया को बतानी होगी, वरना वो मारे जा सकते हैं। ये सोचकर टूनी जल्दी से उस पेड़ के पास भागती है। टूनी चिड़िया उसे सारी बातें बताती है। हट गरीब चिड़िया, मुझे पता है तू झूठ बोल रही है, तू उस कौवी से जल रही है। मुझे पता है कि तू उसकी चुगली कर रही है, मेरी दोस्त बनना चाहती है जिससे मैं तुझे नील पॉलिश दे दूं। लेकिन चिड़िया, मैं तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसने वाला, चली जाओ यहाँ से। फिर बेचारी टूनी चिड़िया वहां से उदास होकर चली जाती है। फिर अगले दिन वो कौवी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आती है। उस कौवी के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर पेड़ भी बहुत डर जाता है और उसे देखकर बहुत घबरा जाता है, जिससे वो अपने सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करता है। लेकिन वो दीवार उस कौवी के एक ही बार से टूट जाती है और फिर उस पेड़ के दिमाग में टूनी चिड़िया की वही बातें चलने लगती हैं जो सारी बातें कल टूनी ने उसे बताई थी। मुझे कल उस चिड़िया की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे डांट कर भगा दिया। पेड़ और भी ज्यादा डरने लगता है और तभी वहां पर टूनी चिड़िया अपने हाथ में दो गुब्बारे लेकर आती है और उन दोनों गुब्बारों में से टूनी चिड़िया एक गुब्बारा उस कौवी के ऊपर फेंक देती है। कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? मेरा नाम टूनी है और मैं इस जंगल में रहती हूँ। मैं तुम्हारे सारे इरादों से वाकिफ हूँ। मुझे पता है कि तू इस पेड़ को काटकर जलाकर और इसकी राख खाना चाहती है जिससे तुझे कभी बुढ़ापा ना आए, लेकिन मैं तुझे यह काम नहीं करने दूंगी। फिर टूनी वो दूसरा गुब्बारा भी उस कौवी के ऊपर फेंक देती है और एक माचिस की तिल्ली जलाकर उस कौवी के ऊपर फेंक देती है। देखते ही देखते वो जलकर राख हो जाती है और फिर वो पेड़ टूनी चिड़िया से माफी मांगता है और टूनी उसे माफ कर देती है। ये कहानी है रामपुर के जंगल की, जहाँ पर चार दोस्त रहते थे जो कि एक दूसरे से कभी दूर नहीं रहते थे। वो चारों के चारों एक ही पेड़ पर रहते थे। वो सभी बहुत खुश थे। वो सब एक साथ ही भोजन की तलाश में जाते थे और सब साथ में ही वापस आते थे। लेकिन आज जब वो सब अपना भोजन लेकर आए
तो बुलबुल का एक अंडा गायब था। बुलबुल तो रोने लग जाती है। हे भगवान, मेरा क्या दोष था जो किसी जालिम ने मेरा अंडा उठा लिया। मैंने कितने सपने सजाए थे अपने अंडे के लिए, मगर किसी जालिम ने इस दुनिया में आने से पहले ही मेरे बच्चे को मार दिया। हे राम, उसका सत्यानाश हो। अरे पंछियों, आज जो बुलबुल के साथ हुआ है, कल वो हमारे साथ भी हो सकता है। इससे पहले कि समय हमारे पंखों से निकल जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा अपने अंडों की रक्षा के लिए। अरे मिट्टू भाई, हम कर भी क्या सकते हैं? भोजन की खोज में तो हमें जाना ही होता है, और ऐसे में तो हम भूखे नहीं रह सकते ना। मीनू मौसी तो अब बहुत बूढ़ी हो गई है। हम ऐसा करते हैं कि मीनू मौसी को अपने घोंसले में ले आते हैं। इस तरह से जब भी हम भोजन लेने जाएंगे तो वो हमारे घोंसले की और हमारे अंडों की रखवाली करेंगी, और इस तरह से हमारे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। कबूतर की ये बात तो सबको बहुत अच्छी लगती है। फिर टूनी चिड़िया और बाकी के सारे पंछी मीनू मौसी के पास जाते हैं। मीनू मौसी जी, हम सब लोग बहुत परेशान हैं। आप कृपया करके हमारे साथ चलें, हमें आपकी मदद की जरूरत है। अरे बेटा, मैं एक बूढ़ी चिड़िया कैसे आप लोगों की मदद कर सकती हूँ? अभी ये बुढ़ापा मेरा साथ नहीं देता बेटा। मीनू मौसी, आज बुलबुल का अंडा किसी ने चुरा लिया है। जब हम भोजन लेने गए थे तो उसका अंडा गायब था। अब बस जब हम भोजन लेने जाएंगे तो आप हमारे अंडों की रखवाली कर लिया करना, और बदले में हम आपके लिए भोजन ले आया करेंगे। मीनू चिड़िया तो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसे भी भोजन ढूंढने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए वो मान जाती है और उनके साथ चल देती है। ठीक है टूनी बेटा, मैं चलूंगी आप लोगों के साथ। वैसे भी मैं सारा दिन घोंसले में ही बैठी रहती हूँ। मैं बहुत अच्छे से तुम लोगों के घोंसलों की रखवाली कर लिया करूँगी, और मेरा समय भी निकल जाया करेगा। फिर टूनी चिड़िया मीनू मौसी को अपने घोंसले में ले जाती है। मीनू मौसी, ये घोंसला आज से आपका है। आप यहीं पर रहा करेंगी और आपको भोजन की चिंता नहीं करनी है। हम सब है ना, हम खुद ही आपके लिए भोजन का बंदोबस्त कर लिया करेंगे। अगले दिन सभी पंछी भोजन ढूंढने की तैयारी करते हैं, और जाने से पहले वो मीनू मौसी से कहते हैं। माँ जी, मेरा एक अंडा घोंसले पे है। माँ जी, मेरे भी दो अंडे हैं। माँ जी, बस आप यहाँ से अब कहीं नहीं जाना। अब हम जा रहे हैं भोजन ढूंढने, बस अब आप हमारे अंडों का ध्यान रखना। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। बूढ़ी मीनू मौसी घोंसलों पर पूरी तरह से नज़र जमाए बैठी थी। वो इधर उधर बहुत ही ध्यान से देख रही थी, और वो एक अंडा चोर तो एक कौवा था जो वहीं पास में ही रहता था। उस पर किसी भी पंछी को शक नहीं होता था, क्योंकि वो तो दूसरे पंछियों के सामने बहुत ही अच्छा बनने का नाटक करता था। अरे ये क्या हो गया, ये मीनू मौसी यहाँ पर कहाँ से आ गई? अब मैं अंडा कैसे चुराऊंगा? और कल तो मैंने बहुत ही आसानी से अंडा चुरा लिया था। अब मुझे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, और इस बूढ़ी मीनू मौसी को थोड़ा उल्लू बनाना होगा, तभी मैं अंडा चुरा पाऊंगा। फिर वो कालू कौवा मीनू मौसी के पास जाता है। कौन हो तुम? यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं सबको बुला लूंगी। चलो चलो, भागो यहाँ से। अरे अरे मीनू मौसी, शांत हो जाए। मैं कालू कौवा हूँ, और मैं इसी जंगल में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या काम है तुम्हें, और यहाँ क्यों आए हो? मीनू मौसी, मैं उड़ते उड़ते थक गया था,
इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए मैं यहाँ बैठ गया हूँ। आप मुझे गलत ना समझो। अरे तुम चालाक कौवे, यहाँ से चले जाओ और कहीं जाकर आराम करो। मैं अपने पंछियों के अंडों की रखवाली कर रही हूँ, जाओ यहाँ से। ये बुढ़िया तो बहुत होशियार लग रही है। अरे मीनू मौसी, वो देखो पीछे क्या है। कहाँ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अरे मीनू मौसी, वो देखो ना, वो बड़े पेड़ के पास, उसके पीछे। जैसे ही मीनू चिड़िया अपना ध्यान उधर करती है, इतने में कालू कौवा अंडा लेकर वहां से उड़ जाता है। अरे ये कौवा कहाँ चला गया, अभी अभी तो यहीं था। अरे नहीं, वो चोर कौवा तो चिड़िया का अंडा उठा कर ले गया। फिर बूढ़ी मीनू चिड़िया उस कौवे के पीछे उड़ती है। वो अपनी पूरी ताकत से उड़ती है। कालू कौवा एक जगह पर अंडा लेकर बैठा था, वो उस अंडे को पीने ही वाला था। आज तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, चलो कोई ना, मेहनत का फल भी तो मिला है। अरे चोर कौवे, मैं देती हूँ तुझे तेरी मेहनत का फल। फिर मीनू चिड़िया तो कौवे की झाड़ू से खूब पिटाई करती है। ओ हाय हाय, मैं मर गया। हाय मीनू मौसी, मैं मर गया। बस एक बार मुझे छोड़ दें, मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। हाय। परंतु बूढ़ी मीनू चिड़िया तो कौवे को मारे ही जा रही थी, और शोर सुनकर बाकी के सारे पंछी भी वहां पर आ जाते हैं। आज तो पहले ही दिन मैंने चोर को पकड़ लिया, यही वो कौवा चोर है, मुझे बातों में लगाकर चिड़िया बेटा तेरा अंडा उठा कर ले गया था, लेकिन मैंने इसे सबक सिखा दिया। तो ये बात है, तुम हो अंडा चोर, अब तैयार हो जाओ पिटने के लिए। और इससे पहले कि दूसरे पंछी भी कौवे को मारते, कौवा तो वहां से भाग जाता है। फिर चिड़िया अपना अंडा सुरक्षित उठाकर अपने घर ले जाती है। अब सब पंछी खुश थे क्योंकि चोर भाग गया था, और बूढ़ी मीनू चिड़िया ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया था। ये कहानी मणिपुर के जंगल की है, जहां पर बरसात का मौसम आने वाला था और सभी बादल बरसात की तैयारी में लगे हुए थे। चलो साथियों, अब हमें बारिश की तैयारी करनी चाहिए। हाँ भाई, चलो हमें अभी से पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो बरसात का मौसम निकल जाएगा और फिर जंगल में सूखा पड़ने लगेगा। आसमान में बादल पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी पानी नहीं दिख रहा था, और जहाँ से वो पानी सूख सकें और फिर बारिश कर सकें। पर भाइयों, बहुत दिन हो गए हमने पानी जमा नहीं किया, क्या हम पानी की खोज कर पाएंगे? हमें जल्दी से बारिश करनी है तो हमें जल्दी से पानी ढूंढना होगा। अरे भाई, पहले से ही जंगल में पानी की बहुत कमी है। चलो मैं तो पास वाले जंगल से पानी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाइयों, ऐसा ही करते हैं। उसके बाद बादल जंगल की तरफ जाने लगते हैं, और तभी रास्ते में उनको टीटू चिड़ा एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ दिखाई देता है, और बादल टीटू चुड़ा को अपनी सारी परेशानी बताता है। अरे बादल भाई, हम जंगल के सारे पंछी पश्चिम इलाके वाली नदी से ही पानी पीते हैं, क्योंकि बाकी जगह पर पानी नहीं है। फिर तो बहुत अच्छा हुआ, मैं वहीं से जाकर पानी पी लूँगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टीटू भाई। अरे कोई बात नहीं बादल भाई, मैं तुम्हें अभी जंगल की तरफ ले चलता हूँ, फिर तुम उधर जाकर कितना भी पानी ले सकते हो। फिर टीटू चड़ा बादलों को अपने साथ ले जाता है, और इसी तरह टीटू चड़ा और बादल की दोस्ती हो जाती है। और उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में रहती थी, और बरसात का मौसम नज़दीक होने के कारण सारे बादल आसमान में अपने अंदर पानी समाये घूम रहे थे। अरे नहीं, आसमान में कितने ज़्यादा और काले बादल छा रहे हैं, लगता है बहुत जोर से बारिश होने वाली है। अगर कहीं बारिश ज़्यादा हो गई तो मेरा घोंसला तो और भी टूट जाएगा, पहले ही मेरा घोंसला कितना टूटा फूटा है।
इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए मुझे अपना घोंसला और भी मजबूत करना होगा। फिर टूनी चिड़िया अपने घोंसले के लिए लकड़ियां ढूंढने चली जाती है। टूनी जंगल में बहुत लकड़ियां ढूंढती है पर उसे लकड़ियां कहीं नहीं मिलती। अब टूनी अपने घोंसले में वापस आ जाती है। तभी मौसम बदलने लगता है और जोर से बारिश शुरू हो जाती है। इसी बीच टूनी अपने घोंसले को बचाए हुई थी लेकिन ज़्यादा बारिश की वजह से टूनी चिड़िया का घोंसला टूट जाता है और बह जाता है। टूनी चिड़िया पेड़ की डाली पर बैठे बैठे भीग रही थी। अरे नहीं, कितना ठंडा पानी है। अरे बादलों थोड़ा रहम करो, आज ही सारा पानी बरसाओगे क्या? कोई है यहाँ पर, मेरी मदद करो। बारिश बहुत तेज थी और टूनी चिड़िया बारिश में भीग रही थी और तभी उसे टीटू चिड़ा का ध्यान आता है जो सभी की मदद किया करता था। क्यों ना मुझे टीटू भाई के पास जाना चाहिए, वो मेरी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। फिर टूनी चिड़िया टीटू चिड़ा के पास जाती है। अरे टीटू भाई मेरी मदद करो ना। लेकिन टीटू चिड़ा के घर में इतनी जगह नहीं होती कि वो किसी और को आसियाना दे सके। फिर टीटू चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी बहन, चलो मैं तुमको अपने बादल दोस्त के पास ले चलता हूँ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। फिर ऐसे ही टीटू चिड़ा टूनी को अपने बादल दोस्त के पास भेज देता है और टूनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाती है और बादल को आवाज लगाती है। बादल भाई मेरी मदद करो, मेरा घर बरसात में बह गया है, प्लीज मेरी मदद करो। तभी आसमान से एक छोटा सा बादल टूनी चिड़िया के पास आता है और कहता है, अरे बहन क्या हुआ, तुम मुझे क्यों पुकार रही हो और इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्यों बैठी हो, और अभी तो और भी तेज बारिश होने वाली है। अरे बादल भाई, जोर से बारिश के कारण मेरा घोंसला टूट कर बह गया। अरे टूनी बहन, तुम जंगल में कुछ दिन के लिए किसी और पंछी के घर में रह सकती हो ना। अरे बादल भाई, मैंने अपने सारे दोस्तों से मदद मांगी थी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। क्या टूनी बहन, मैंने तो सुना था कि जंगल के सारे पंछी आपस में मिलजुल कर रहते हैं और उनमें बहुत गहरा प्रेम होता है। नहीं बादल भाई, समय के साथ साथ सब बदल जाते हैं और अभी दौर काफ़ी बदल गया है और हर पंछियों ने अपना अपना इलाका बना लिया है। जहाँ पर मजबूत लकड़ियाँ हैं वहाँ पर पंछियों ने डेरा डाल रखा है और वो उन लकड़ियों को किसी को नहीं लेने देते। अरे टूनी बहन, आपको मुसीबत में देखकर मुझे भी दुख हो रहा है। टूनी बहन आप एक काम करिए, आप मेरे ऊपर ही घोंसला बना लीजिए। अरे बादल भाई, ये कैसे हो सकता है। हाँ टूनी बहन, ये संभव है लेकिन ये तो बहुत मुश्किल होगा ना। हाँ मुश्किल तो होगा लेकिन टूनी बहन नामुमकिन नहीं। आपके लिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ, फिर आप मेरे ऊपर एक घोंसला बना लीजिए और ऐसा करने से आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी और आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी और ना ही ज़्यादा सर्दी लगेगी, आपका जीवन अच्छे से बीतेगा। बादल की ये बात सुनकर चिड़िया के मन में एक उमंग सी जाग गई और वो उसी बारिश में एक एक करके सारी लकड़ियाँ बादल के ऊपर रख देती है और फिर जैसे तैसे टूनी बादल पर अपना घर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। बादल टूनी चिड़िया को लेकर आसमान की तरफ लेकर उड़ जाता है। टूनी बहन, अब आपको कैसा लग रहा है बादलों के घर में। सच में बादल भाई, यहाँ पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही टूनी बादलों के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।